1928 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने एक जीरो की खोज किया और वो भी भारतीय विद्वान हुआ करते थे भारत के लोगों के लिए। और आज 2024 में हम फिर एक जीरो की खोज कर वैशाली लोकसभा को सौंपने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हुए मुजफ्फरपुर जिला के भोजपुरी फिल्म अभिनेता रंजीत झा के निजी आवास पर पहुंचे हुए हैं और इनके द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी पहली नजर की सलाम। हालांकि एक बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इनकी कहानी जीरो से शुरू हुई है और पचरुखी गांव में हम अभी उपस्थित हैं। मामला क्या है, इसे गंभीरता से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो मामला यह है कि वैशाली लोकतंत्र की प्रथम जननी रही है, लेकिन वैशाली में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या भी किस प्रकार उसे लोकतंत्र में तब्दील किया जा रहा है। और इस मामले को लेकर तीसरा कौन, तो तीसरा कौन के रूप में आ रहे हैं हमारे आज खास मेहमान भोजपुरी अभिनेता रंजीत झा। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देंगे कि आप मेरे कैमरे पर आज आ रहे हैं। नमस्कार नमस्कार धर्मचंद जी, और जी न्यूज के तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। सवाल ये है कि आप इससे पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और मुंबई के तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड के सभी कलाकारों को आप वैशाली के कोने कोने में उतार दिए हैं। वैशाली की लगभग 20 लाख की जनता जो है फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री को केवल पर्दे पे देखा किया करते होंगे, लेकिन आपके कारण वह लोग आमने सामने भी उनको देखने की मौका मिली। क्या फिर इस बार लोकसभा में आप आ रहे हैं? देखिए, हम पहले से बहुत सारे लोगों का दबाव था मेरे ऊपर, कार्यकर्ताओं का, हमारे मित्रों का, हमारे जितने मतदाता लोग हैं, कि वैशाली में उस हिसाब से काम नहीं हो रहा, हम लोग वोट दे के बार बार चले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। लेकिन हम अपना मन बनाए थे कि हम झंझारपुर से या वाल्मीकि नगर या मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो टिकट देने की जो आपाधापी है और टिकट का जो एक तरह से मूल्य हो गया है, जैसे मतलब फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट, ट्रेन में राजधानी का तेजस का टिकट, इस तरह से विधायकी का और सांसदी का टिकट का जो रेट हो गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ रुपया, इस रेस में हम पिछड़ गए, पैसा देने के रेस में हम पिछड़ गए, तो हम सिंबल लेने में कामयाब नहीं हुए। तो हमने मन बना लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का दबाव, मतदाताओं का दबाव, कि वैशाली में अगर वैशाली का कोई बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, और आपने 14 में लोगों को जो बताया था, जो लोगों को आपने सपने दिखाए थे, जो लोगों से आपने वादा किया था, और आप चुनाव हार गए, तो 19 में आप चुनाव नहीं लड़े, आपने क्षेत्र को छोड़ दिया उसी तरह, और वैशाली में 14 से लेकर के 24 हो गया, अभी तक एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जबकि मुजफ्फरपुर जिला में दोनों सांसद एनडीए के ही थे, वैशाली में भी, मुजफ्फरपुर में, वैशाली लोकसभा ऐसे भी मुजफ्फरपुर जिला का ही पार्ट है। हम लोग कहते हैं कि आरा बलिया गोरखपुर सबसे बड़का मुजफ्फरपुर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का, सबसे बड़ा ज्वेलरी का मंडी मुजफ्फरपुर, सबसे बड़ा डॉक्टर का मंडी मुजफ्फरपुर, सबसे बड़ा कपड़ा का मंडी मुजफ्फरपुर, बेतिया से हो या सीतामढ़ी से हो, सब लोग खरीदारी करने मुजफ्फरपुर आते हैं। सरकार को इतना रेवेन्यू देने के बाद यहाँ के जो सांसद लोग हैं, इनको विकास में कोई दिलचस्पी नहीं रही, काम में कोई दिलचस्पी नहीं रही, अपना अपना सरकारी बंगला लेके, महल लेकर के अपने अपने एजेंट को क्षेत्र में रख दिए और सरकार के पैसे का लूट खसोट करके लोगों ने रख दिया। आज मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा नहीं हो पाया, मुजफ्फरपुर को एम्स नहीं मिला, मुजफ्फरपुर को ट्रामा सेंटर नहीं मिला, मुजफ्फरपुर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ चला गया? मोतिहारी। अब सोचने की बात है, जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए निरीक्षण करने आए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारी, वो मुजफ्फरपुर होकर ही गए होंगे। जो लोग दरभंगा में हवाई अड्डा का निर्माण की स्वीकृति के लिए गए होंगे, वो मुजफ्फरपुर होकर ही गए होंगे। लेकिन क्या इतना बड़ा शहर मुजफ्फरपुर नहीं दिखा? हमारे जो मुजफ्फरपुर के वर्तमान में तत्कालीन सांसद थे, किसी ने भी इस पर आवाज नहीं उठाई। तो अब हम लोग मुजफ्फरपुर की जनता ने, वैशाली की जनता ने निर्णय लिया है कि अब किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं, किसी पार्टी के हम इशारे पर नहीं नाचेंगे, किसी पार्टी के दया के पात्र नहीं होंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, जीतेंगे तो उसी को समर्थन देंगे। आपकी लड़ाई किससे?
हमारी लड़ाई यहाँ पे निजी, जो यहाँ पे हमारी लड़ाई व्यक्तिगत तो किसी है नहीं, हमारी तो सबसे मित्रवत रिलेशन है, लेकिन यहाँ जब राजनीतिक लड़ाई है तो राजनीतिक लड़ाई यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है, जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, या जो लोग सिंबल ले रहे हैं, या जो लोग वादे वैशाली के बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, तो लड़ाई उसकी कि वैशाली को अब नहीं ठगने देंगे, बहुत बार हो गया, अब नहीं ठगने देंगे। चिराग पासवान पुनः जो है बीना देवी को टिकट दिए हुए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने विकास किया तभी दिए हुए हैं। देखिए वैशाली में विकास हुआ है, ये विकास ये हुआ कि वैशाली के बच्चा बच्चा से पूछिएगा तो वैशाली के जिस जिस गली में आप जाएंगे आपको हर जगह पे एक जाति विशेष का द्वार आपको मिलेगा। वैशाली में हर जाति के लोग हैं, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, धानुक है, मलाह है, पासवान है, रविदास है, हर जाति के लोग हैं। लेकिन वैशाली लोकसभा में इतने साल रघुवंश बाबू सांसद रहे, इतने पाँच साल रमा भाई जी सांसद रहे, इससे पहले लवली आनंद जी सांसद रही थी, किशोरी सिन्हा जी रही थी, किसी भी सांसद ने जाति विशेष का कोई आज तक द्वार नहीं बनाया। और इसका नतीजा यह हुआ कि वैशाली के बाकी जातियों के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि बीना देवी जो वर्तमान शासन पूर्व सांसद रही हैं और वर्तमान प्रत्याशी हैं, उन्होंने वैशाली की जनता को ठगा है। बिल्कुल ठगा है, मैंने 2019 में उनको वोट दिया था, एक मतदाता के तौर पर मैं भी ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। वही कि बिहार में वैशाली जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी है, पूरे देश में विश्व की जननी है। आरजेडी ने सबसे बड़ा मतलब वो सामने बीना देवी से टक्कर लेने के लिए सबसे बड़ा उत्तर बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, क्या कहेंगे? हाँ, मुन्ना शुक्ला जी को टिकट मिला है राजद की तरफ से, लेकिन मुन्ना शुक्ला जी का जो घर है या मुन्ना शुक्ला जी जो मतदाता है वो लालगंज विधानसभा के हैं, और लालगंज विधानसभा हाजीपुर लोकसभा में। यहाँ लड़ाई अब यह हो गई कि वैशाली का बेटा ही वैशाली का सांसद बनेगा, ताकि वैशाली के दुख दर्द को आवाज को वहां तक पहुंचा सके, वहां तक बता सके। बीना देवी जी को अगर सिंबल मिला है तो बीना देवी जी आज क्षेत्र में घूम रही है, तो जनता उनको बोल रहा है कि वाई वैशाली में यादव द्वार नहीं, पंडित द्वार नहीं, पासवान द्वार नहीं, धनुक द्वार नहीं, सनी द्वार नहीं, सिर्फ एक जाति विशेष का ही द्वार क्यों? और पांच साल में बीना देवी सिर्फ खासम खास लोग, उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं उनके यहाँ, या उनके जाति विशेष के जो लोग रहे हैं उनके यहाँ शादी विवाह में गई हैं। बाकी वैशाली में 17-18 लाख मतदाता है, ऐसा कोई मतदाता आपको नहीं मिलेगा किसी दूसरे जाति का जो बोले कि हमने बीना देवी जी को टिकट कार्ड दिया था और वो हमारे घर पे शादी समारोह में आई हैं, या श्राद्ध में आई हैं, या अगलगी में देखने आई हैं, या बाढ़ में देखने आई हैं, या फसल के क्षति में आई हैं। कब पलट के उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं उन्होंने देखा। लड़ाई आपकी किससे है, मुन्ना शुक्ला या बीना देवी? हमारी लड़ाई ना मुन्ना शुक्ला से है, ना हमारी लड़ाई बीना देवी से है, और हम कारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई वैशाली की जनता की लड़ाई है। और लड़ाई यही है कि विकास बनाम भ्रष्टाचार, विकास बनाम गुंडावाद, विकास बनाम त्राहिमाम, ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से हमारी नहीं, हमारी तो सबसे मित्रवत रिलेशन। तो आरजे क्या रहा है वैशाली में? वैशाली में हमारा मुद्दा विकास है, जैसे मुजफ्फरपुर को हवाई अड्डा मिलना चाहिए, एम्स मिलना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी गई है तो यहाँ भी मिलना चाहिए। आयुष मंत्रालय का अभी पिछले टर्म में मैं लोकसभा में देख रहा था कि आयुष मंत्रालय एक ऐसा आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट बड़ा सा खोलना चाहता है, और उसके लिए शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद तिरुवनंतपुरम से, उन्होंने मांगा था कि इसको केरला में दिया जाए। हम कहते हैं कि हमारे सांसद को मांग करना चाहिए कि बिहार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा ने बिहार ने शिक्षा दिया है, बिहार ने चाणक्य दिया है, तो आयुष मंत्रालय का वो इंस्टीट्यूट बिहार में क्यों नहीं? बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो फिर वैशाली में क्यों नहीं? वैशाली को क्यों ऐसा अछूता माना जा रहा है? महात्मा बुद्ध की ये धरती है, वैशाली के साथ भेदभाव क्यों? क्या अपील करते हैं कैमरे पर वैशाली की जनता से? हम वैशाली की जनता से इतना ही अपील करना चाहते हैं कि देखिए 2014 में भी मैंने बहुत मेहनत किया था, मैं आपके बीच आया था, आप लोगों ने समर्थन दिया था, उस समय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और आप सब लोग उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आप लोग उड़ चुके थे, कांग्रेस दिवालियापन पतन के कगार पे थी, तो आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो भी प्रत्याशी थे उनको वोट देकर के जिताया। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो देश में तो चल ही रहा है, मानना है कि कोई भी मकान बनता है तो सबसे पहले नींव मजबूत होता है, सीढ़ी, पहला सीढ़ी मजबूत होगा तभी वो सीढ़ी 5 मंजिल तक जाएगी। गांव जाति विशेष पे नहीं, दल विशेष पे नहीं, व्यक्ति विशेष पे नहीं, आप सिर्फ विकास के विशेष पे, अगर आपको लगता है
कि ये लड़का विकास कर सकता है, ये लड़का मेरी आवाज को लोकसभा में उठा सकता है। 543 लोकसभा सीटें हैं पूरे भारत में, उसमें एक वैशाली भी 5 साल तक चर्चा में रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़का कर सकता है तो बिल्कुल मुझे मत दीजिए, मेरे साथ घूमिए। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आपका मत, 5 साल आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा, आप अपने आप को फिर ठगा महसूस करेंगे। इसलिए आपको अगर लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो आप बिल्कुल मुझे मत दीजिए, मेरा समर्थन दीजिए। मुझे सिर्फ आपका मत चाहिए, मुझे आपसे कोई रुपया, आपसे कोई गाड़ी, कोई घोड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मत चाहिए और आपका मनोबल, आपका प्रोत्साहन, ताकि मैं वैशाली के लिए कुछ कर सकूं। क्या परिचय हो? राजरंजीत झा, भोजपुरी सिनेमा के एक्टर हैं और रियल एस्टेट से हैं, बिल्डर हैं। तो मैं जनता से कहूंगा कि वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है, और तीसरा कौन होगा वैशाली का सांसद, इसका भी इंतजार लोगों को था। और आज हम उस जीरो की बात कर रहे हैं जो अपने कैरियर में जीरो से हीरो बन के दिखाए हैं, और आपके बीच भी हीरो की एक जरूरत है, और भोजपुरी सिनेमा के एक हीरो रंजीत झा को हम आपके बीच में ला रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव कर दिया।